आलू सरसों के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज का आलू जो मैंने काट कर रखा है इसे। एक मीडियम साइज का टोमेटो, करी पत्ता, लहसुन, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, सरसों का पेस्ट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सरसों का पेस्ट, एक मीडियम साइज टमाटर का प्योरी, थोड़ी सी मेथी, हेंगू, सरसों का तेल। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया, छह बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, गरम होने के बाद हम आलू फ्राई करेंगे। आलू का कलर ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ऑलरेडी वो ब्राउन हो गया तो उसको हम एक बाउल में निकालेंगे। वो रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। इसी ऑयल में हम पकाएंगे पहले थोड़ी सी हींग। हाफ चम्मच जीरा, करी पत्ता, लहसुन, चिल्ली, टमाटो प्योरी, दो चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, इन आलू के लिए दो चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब चम्मच ब्लैक पेपर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, एक चम्मच रेड चिली, सभी को अच्छी तरह हम मिलाएंगे। आप चाहे तो सब्जी हम फेस्टिवल में भी बना सकते हैं, सिर्फ जो गार्लिक उसको स्किप करना है, नहीं तो इसमें प्याज कुछ भी नहीं पड़ता, इसलिए त्यौहार में भी हम बना इस रेसिपी को बना सकते हैं।
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जनरली हम आलू को सब्जी तो प्याज अदरक लहसुन ऐसे में बनाते हैं, लेकिन मस्टर्ड के साथ उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मसाला ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हम हमारा जो फ्राई पोटैटो उसको मिलाएंगे। दो तीन मिनट पकाने के बाद उसमें हम जौ का पानी मिलाएंगे, क्योंकि वो जो पोटैटो हमने फ्राई किए थे तो ऑलमोस्ट 70% पक चुका है। नमक स्वाद अनुसार उसके ऊपर जो मेथी हमने लिया था उसको क्रश करके देंगे। आप चाहे तो धनिया पत्ता भी उसमें डाल सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। 5 मिनट हो गया, हम अभी चेक करेंगे आलू हुआ है कि नहीं। ऑलरेडी पक चुका है, तो ये रेसिपी आप जरूर घर में बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठा के साथ, सभी के साथ हम खा सकते हैं। आलू को हमने हमेशा प्याज गार्लिक जिंजर के साथ हम बनाते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड पेस्ट उसके साथ हम बहुत कम लोगों को मालूम होता है वो कैसे रेसिपी होता है। तो आज आपको ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर आपको आप बनाएंगे घर में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।